सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ईआर ग्रेट यूट्यूब चैनल। ये है टीपीए 3110 का क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि 30+30 वाट यानी कि 60 वाट आउटपुट देता है मैक्सिमम, जिसमें से गाइस हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल, वॉल्यूम और इस एम्पलीफायर बोर्ड का कनेक्शन करना सीख लिया है प्रीवियस दो वीडियोज़ में। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल का कनेक्शन करने बताने वाला हूँ, जिसमें से हम केवल कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल का कनेक्शन करने के लिए, और बस डन हमारा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिलेगा। गाइज, इसमें से कंपोनेंट्स हम लोग बहुत ही कम यूज़ करने वाले हैं, मात्र 6 कंपोनेंट्स यूज़ करके बनाएंगे वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल का सर्किट। तो आइए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल के सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं 3 पोटेंशियोमीटर्स। जो पोटेंशियोमीटर हमारा वॉल्यूम का बनेगा, उसका वैल्यू आप ले सकते हो 47 किलो ओम, 50 किलो ओम या तो फिर 100 किलो ओम का। यहाँ पर मैं 100 किलो ओम का यूज़ कर रहा हूँ। और दो जो पोटेंशियोमीटर्स हैं बेस और ट्रेबल के, वो भी हमारे 100 किलो ओम के होंगे। तो ये तीनों पोटेंशियोमीटर्स हमें लेने के बाद हमें कंपोनेंट्स लेने हैं, जिसमें से 104 का पीएफ हमें लेना है 2 पीस, और 103 का पीएफ लेना है हमें 2 पीस, और हमें 2 रजिस्टर्स भी लेने हैं। रजिस्टर्स हमें लेने हैं 4.7 किलो ओम का यानी कि 4700 ओम का। इसका कलर कोड भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, येलो, वॉयलेट और रेड, कुछ इस तरह से दिखता है या 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। यह हमें 2 पीस लेना है। उसके बाद गाइस, चलिए अब हम इसमें वायरिंग्स करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोग डुअल चैनल का बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह एम्पलीफायर बोर्ड हमारा डुअल चैनल का आउटपुट देता है और हम यहाँ से डुअल चैनल का आउटपुट लेने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो तीनों पोटेंशियोमीटर्स है, उसके तीसरे वाले पिन को हमें ग्राउंड करना है, यानी कि जो तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा वाला पिन है, उन दोनों पिन को हमें एक साथ में कनेक्ट कर देना है, और वहां से एक वायर मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा वॉल्यूम के लिए है, और बाकी जो अलग अलग चैनल के पिन्स हैं वो मैंने जैसे के तैसे रहने दिया है। उसके बाद देखिए, बेस वाले में भी सेम उसी टाइप में मैंने किया हुआ है। जो इनपुट और आउटपुट के पिन्स हैं इस पोटेंशियोमीटर के, वो मैंने जैसे के तैसे रहने दिया है, लेकिन तीसरे वाले पिन को दोनों को कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड होगा। सेम इसी तरह से ट्रेबल वाले पिन को भी मैंने किया हुआ है। और आइए अब मैं सबसे पहले बेस वाले के सर्किट को बनाने बताता हूँ। बेस वाले पोटेंशियोमीटर के सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 103 के पीएफ को लेना है, और उसे कनेक्ट करना है पिन नंबर 1 और 2 में, यानी कि जो इस पोटेंशियोमीटर का इनपुट और आउटपुट है उसमें कनेक्ट करना है। गाइज, इस साइड में हमारा एक अलग चैनल है और इस साइड में अलग चैनल है पोटेंशियोमीटर में। ये डुअल चैनल का पोटेंशियोमीटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से हमें सोल्डर करने हैं पीएफ को। देखिए, यहाँ पर बेस के लिए 103 का पीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेस वाले में कुछ इस तरह से मैंने कनेक्ट कर लिया एक चैनल में 103 के पीएफ को। सेम उसी तरह से हमें दूसरे वाले चैनल में भी 103 के पीएफ को कनेक्ट करना है, यानी कि ऐसे। अब कंफ्यूज मत होना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम उसी तरह से कनेक्ट कर लेना। देखिए गाइज, यहाँ पर मैं बीच वाले में इसको कनेक्ट कर दिया और पहले वाले पिन में भी इसे कनेक्ट कर दिया। कुछ इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया दोनों चैनलों में 103 का पीएफ। और अब हमें यहाँ पे रजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं। रजिस्टर्स जो 4.7 किलो ओम का है, वो हमें इस पोटेंशियोमीटर से आउट में लेना है, यानी कि जो बीच वाला पिन है उसमें हमें कनेक्ट कर देना है। तो एक चैनल में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस रजिस्टर को भी, और कुछ इस तरह से यह कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, एक चैनल में यहाँ से कनेक्ट हो गया, और जो यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट जाएगा ना, वो यहाँ से हमारा आउटपुट मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, और दूसरे चैनल में भी सेम इसी प्रकार से जो दूसरा रजिस्टर है उसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रजिस्टर्स मैंने इन दोनों चैनलों में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है।
गाइस फाइनली हमारा यह बन के रेडी हो चुका है बेस का पोटेंशियोमीटर। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, ऑडियो इनपुट देना है, ग्राउंड कनेक्ट करना है, ऑडियो आउटपुट लेना है और बस बेस हमारा काम करने लगेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। सच में बहुत ही अच्छा आउटपुट आता है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आप लोगों को आउटपुट भी दिखाऊंगा। अब हमें ट्रेबल के पोटेंशियोमीटर में कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए देखिए सेम इसी प्रकार से मैंने ग्राउंड कर दिया है इसको भी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 104 के पीएफ है ना उसको कनेक्ट करना है इसके जो बीच वाला पिन है, यानी कि जो ऑडियो आउटपुट होता है ना पोटेंशियोमीटर का, उसमें हमें कनेक्ट करना है 104 के पीएफ को। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा सीरीज में कनेक्ट हो गया। कुछ इस तरह से एक चैनल में मैंने ट्रेबल वाले में कनेक्ट कर दिया, तो दूसरे चैनल वाले में भी हमें कनेक्ट करना होगा। तो मैं अब इसको इसमें भी कनेक्ट कर देता हूँ और अब इसे देखिए कुछ इस तरह से मैंने बीच वाले पिन से 104 के पीएफ को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। गाइस दोनों चैनलों में मैंने अलग अलग कनेक्ट किया हुआ है, बस हमारा ट्रेबल का भी अब बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इन तीनों पोटेंशियोमीटर्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, तो उसके लिए हमें लेना है एक वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर अब। और वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर के जो तीसरा वाला पिन हमने ग्राउंड किया हुआ था उसके वायर को हमें तीसरे वाले पिन के ग्राउंड से कनेक्ट करना है, जो बेस का पोटेंशियोमीटर है ना उसके तीसरे वाले पिन से। तो ये हमारा ग्राउंडिंग इसमें हो गया। उसके बाद जो बेस वाला पोटेंशियोमीटर है वहाँ के ग्राउंड से जो ट्रेबल वाला पोटेंशियोमीटर है उसके ग्राउंड में कनेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके अब हमें इसके ग्राउंड में कनेक्ट करना है। गाइस देखने में आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तो वो चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे दिखा करके वायर्स को कनेक्ट करने का। देखिए इसका जो ग्राउंड वाला वायर है दोनों को कनेक्ट करने के बाद वो मैंने बेस वाले में कनेक्ट कर दिया, और जो बेस वाला से ग्राउंड का पिन है वो मैंने वॉल्यूम से कनेक्ट कर दिया। तो सभी का ग्राउंड हमारा यहाँ पे कॉमन हो गया। अब यहाँ से जो ग्राउंड होगा वो हमें ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में भी कनेक्ट करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और वायर कनेक्ट कर देता हूँ, एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड वाले पिन से, और इसे कनेक्ट कर देना है अब हमें ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के जो ऑडियो इनपुट जाएगा ना उसके ग्राउंड वाले में। जो एम्पलीफायर बोर्ड में लेफ्ट राइट और ग्राउंड लिखा होता है उसके ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया, जो वॉल्यूम बेस ट्रेबल का ग्राउंडेड था उसको। अब आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ऑडियो आउटपुट जाएगा इस वॉल्यूम वाले पोटेंशियोमीटर से ना, वो हमें कनेक्ट करना है जो बेस का इनपुट होगा, यानी कि जो दूसरा वाला पिन होता है पोटेंशियोमीटर का वो यहाँ से आउटपुट जाता है। तो इस पोटेंशियोमीटर में इनपुट देने के लिए हमें इसके पहले वाले पिन में इनपुट देना होगा, यानी कि जो इसका लेफ्ट और राइट चैनल है वो हमें लेफ्ट और राइट चैनल दोनों चैनलों में इनपुट दे देना है। तो इसके जो दोनों बीच वाले पिन है ना वो हमें कनेक्ट करना है इसके एक एक चैनल में। देखिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ एक इस चैनल में और दूसरा वाला वायर इस चैनल में। तो ऑडियो इनपुट हमारा बेस वाले में भी चला गया, लेकिन गाइज अब हमें ऑडियो इनपुट हमें तो देना होगा इसके ट्रेबल वाले में भी। तो ट्रेबल वाले में ऑडियो इनपुट देने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से कनेक्ट करना है अब हमें दो वायर्स। तो जो हमने वॉल्यूम से ऑडियो इनपुट बेस में दिया ना वही हमें सेम ऑडियो इनपुट ट्रेबल में भी देना होगा। तो एक वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सेम लेफ्ट और राइट ऑडियो, तो वही इनपुट अब मैं इसमें दे देता हूँ। देखना, ध्यान देना, इन्वर्स मत कर देना। जो मैंने लेफ्ट में यहाँ पे कनेक्ट किया है वो इसमें भी लेफ्ट में इनपुट दे रहा हूँ, और सेम इसका लेफ्ट में इस साइड में दे रहा हूँ जो ट्रेबल का हमारा इनपुट जाएगा। तो ये मैं इसमें दे देता हूँ, और जो दूसरा वायर है राइट चैनल का वो भी मैं इसके इनपुट में कनेक्ट कर देता हूँ। गाइज आप लोगों को देखने में पेचीदा तो लग रहा होगा, लेकिन समझ जाने के बाद यह पेचीदा है ही नहीं। अब देखिए वॉल्यूम का जो इनपुट है वो मैंने इसके बेस में भी कनेक्ट कर दिया, और जो बेस में कनेक्ट करने के बाद लेफ्ट वाला इसके लेफ्ट में इनपुट दे दिया और राइट वाला इसके राइट में इनपुट में दे दिया।
अब देखिए ऑडियो आउटपुट जो हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड में देना है वो हमें देना है बेस और ट्रेबल का। तो बेस और ट्रेबल का जो आउटपुट जाएगा, जैसे कि बेस के लिए इन दोनों रजिस्टर से आउटपुट जाएगा और ट्रेबल से इन दोनों पीएफ से हमारा आउटपुट जाएगा। तो ये जो दोनों इनपुट जाएगा लेफ्ट और राइट चैनल के लिए वो इनपुट इसमें जाएगा। तो ये दोनों हमारा कॉमन हो जाएगा लेफ्ट चैनल के लिए और राइट चैनल के लिए। तो जो ऑडियो आउटपुट है ट्रेबल का और बेस का, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। जो लेफ्ट चैनल का आउटपुट है बेस और ट्रेबल का, उसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और जो राइट चैनल का आउटपुट है इन दोनों पोटेंशियोमीटर का, बेस और ट्रेबल का, उन दोनों को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ से आउटपुट जाएगा उसे हमें कनेक्ट कर देना है इसके इनपुट में। तो ये देखिए दो वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर हो गया हमारा लेफ्ट चैनल के लिए और जो दूसरा वायर होगा ये हमारा राइट चैनल के लिए। लेफ्ट और राइट चैनल कुछ इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया। गाइस अब क्या करना है कि जो लेफ्ट और राइट चैनल है हमारा, यहाँ से जो आउटपुट गया वो हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड के लेफ्ट और राइट चैनल में कनेक्ट कर देना है। एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा इसके राइट वाले में कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा फुल कनेक्शन इसमें हो चुका है, लेकिन बेस ट्रेबल वॉल्यूम का वायरिंग हो जाने के बाद हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड में इनपुट देना होगा, यानी कि जो वॉल्यूम में इनपुट देना है वो हमें देना होगा। तो वॉल्यूम में इनपुट मैं यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू से देना चाह रहा हूँ। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसमें। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्शन करने के लिए भी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो मैं इसको पहले 5 वोल्ट का पावर सप्लाई के लिए 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू से प्लस और माइनस के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक हो गया हमारा माइनस का वायर और प्लस का वायर कनेक्ट हो गया। इसमें पावर सप्लाई चला जाने के बाद इसमें से जो ऑडियो आउटपुट होगा वो हमें इसके इनपुट में कनेक्ट करना होगा। इसके इनपुट के लिए देखिए ग्राउंड वाले को मैं ग्राउंड से नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ और लेफ्ट राइट के लिए लेफ्ट राइट में इनपुट दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा वॉल्यूम बेस और ट्रेबल का वायरिंग्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई के वायर को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा पॉजिटिव। बैटरी से मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूस पावर सप्लाई हमारा अच्छे एम्पियर से मिल सके, स्टेबल एम्पियर, और बस अच्छा आउटपुट मिले जिस कारण से इस क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड में। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ और प्ले करके दिखाता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी। देखिए ये हमारा पावर ऑन हो चुका है। अभी ब्लूटूथ मोड पे है तो मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब गाना सुनिए। यहाँ पर मैं इन दो स्पीकर्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। ये देखिए इन दो स्पीकर्स को मैं इनक्लोज़र में यूज़ कर रहा हूँ ताकि साउंड क्वालिटी आप लोग सही से जज कर पाओ। और देखना अभी बेस ट्रेबल में बढ़ा करके अच्छे से दिखाता हूँ, अब बहुत ही बढ़िया काम भी करता है। देखिए सबसे पहले मैं अभी बेस को बढ़ा करके दिखाऊँगा। ये हमारा बेस काम कर रहा है। अभी ट्रेबल बहुत ही कम है, ट्रेबल अभी पूरा कम है।
अब मैं ट्रेबल बढ़ाने जा रहा हूँ। अभी गौर करना, जो स्पीकर्स का फ्लक्चुएशंस है और बेस और ट्रेबल में जब मैं डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा हूंगा उस टाइम पे देखना। तो आप सभी को साउंड क्वालिटी में ज़रूर फ़र्क दिख रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा आप सभी को। गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो रिकॉर्ड सही से कर नहीं पाता है माइक्रोफोन। तो आप मेरे पे अगर ट्रस्ट करते हो इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में, आप बेस ट्रेबल और वॉल्यूम का कनेक्शन करके देख लेना, जैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। आप चाहे तो किसी और भी एम्पलीफायर बोर्ड्स में सेम कनेक्शन कर सकते हो, वॉल्यूम बेस और ट्रेबल का बहुत ही बढ़िया काम करता है। गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।